जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस सरकारी इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। दफा 370 और 35 से हटने के बाद जो हालात कश्मीर में हुए और हटने से पहले ही जो टूरिस्ट यहाँ आए हुए थे उनको ज़बरदस्ती निकाला गया, जिससे हमें बहुत से प्रॉब्लम शुरू हुई। हो सकता था कि हमें कुछ ऑर्डर्स मिलते, हम ई कॉमर्स कर लेते, लेकिन उनके पास भी अब वो पेमेंट नहीं। कोविड-19 की वजह से वो भी बैठ गए, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, सब कुछ बैठ गया, हमारा तो टोटल ही बैठ गया। उन्होंने कैपिटल फंड एक्स्ट्रा किया, लेकिन उसमें फायदा क्या हो गया? हमने वो पैसे लिए, कोशिश की कि हम वर्करों को दे रहे हैं, अब हमारे पास तो सेल्स नहीं है, हम तो वो वापस कैसे करेंगे? वही तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम वही है ना, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम इंटरेस्ट वापस करें? हम तो इंटरेस्ट नहीं दे सकते अभी, क्योंकि हमारे पास तो सोर्स नहीं है ना, हमारे तो सेल्स हैं, हम तो एक्सपोर्ट तो ख़त्म हो गया, अब तो जो भी है लोकली हो रहा है यहाँ से। मतलब जब टूरिस्ट आते थे तो खरीदते थे, शायद हमारी सेल्स होती थी, बैंक को चला जाता था, अब सेल्स भी हमारी ज़ीरो हैं, एक साल से तो हम देख भी नहीं रहे हैं किसी को। Well, to be honest with you, primarily I deal with tourism, with tourist people actually. 90 to 95% of the time, 95% of my customers are from outside the state. It'll have a great impact. It'll have a great negative impact, because you see, sir, nobody has got a huge enterprise. Nobody has got, and nobody can bear those losses. But if this situation gets worse enough, more and more, then I think I'm in a great deal of problem. Since March 2019, I guess, I had around 15 to 20 employees in here, and there was a good business. We had good sales. I was able to provide salaries to everybody, provide some incentives to somebody. I was happy. Everything was in control. But comes 5 August 2019 and everything just goes out of control. And we thought maybe it'll take some time to normalize. Maybe we'll get back soon in 2 or 3 months. But then there was a huge void, and then it affected us hugely. So I was then forced to cut short my staff again and just sit idle and wait for the situation to normalize. आर्टिकल के टाइम पे हड़ताल रही लगभग 3-4 महीने कंटिन्यू रहा, तो उस टाइम से लेके टिल डेट अभी तक कश्मीर आर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो पे हो गया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, ये सारा डिपेंड करता है टूरिस्ट पे, जितना टूरिस्ट होगा हम उतना इसको आगे चला सकते हैं, तो उसकी वजह से ये सारा ज़ीरो हो गया है। फिर हमें उम्मीद थी कि अब विंटर के बाद फिर से इसको चालू करेंगे, उसके बाद ये कोविड का मसला हो गया, उस दिन से लेकर अभी तक बिल्कुल हम ज़ीरो पे बैठे हुए हैं। खाली हम दुकान खोलते हैं, सुबह आने के लिए आते हैं, जैसे आते वैसे शाम को घर चले जाते हैं, उसका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सर वो 20% भी हुआ है ना, क्योंकि जब इनकम नहीं है किसी के पास, सभी यहाँ पे हमारे पास गाँव के कस्टमर आते हैं जो शॉल वगैरह शादी वादियों के लिए लेके जाते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं किसी के पास आ रही है, जो अपना ट्रांसपोर्ट वाला है वो टोटली बैठा हुआ है, बाकी दुकानदार वो बैठे हुए हैं, हाउस बोट वाले वो बैठे हुए हैं, जब तक इनके पास इनकम नहीं होगी हमारे पास इनकम नहीं आएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है लोकल मार्केटिंग में भी, जो हमारी लोकल जिन पर हम डिपेंड करते 20%, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट रही, सरकार रही, एलजी वटेवर क्या था,
तो किसी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ जैसे ये उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, उस टाइप का बन चुका है ये। अदरवाइज ये हमारे पास एक लास्ट रास्ता है, दुकान को शटर को ताला देना है, कुछ और काम करना। फिलहाल ये कश्मीर आर्ट्स में जो है कोई अभी फ़िलहाल उस तरीके का बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसने हमने जिसे माल लिया है उसको भी पैसा देना है, जिस कारीगर से काम करवाया है उसको भी देना है, वो सब इसी पे चल रहा है। तो सब जब टूरिस्ट नहीं है, लोकल मार्केटिंग कम है, तो मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी देर तक ये लॉन्ग पीरियड तक चल सकता है कश्मीर आर्ट्स का काम।